हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। ये मैं अपने हॉस्टल के बाहर खड़ा हुआ हूँ। ये मेडिटेरेनियन करके कुछ ये हॉस्टल था, इससे चलो बाहर निकलता हूँ। मैं निकल ही गया हूँ बाहर। तो आज का जो दिन है, मैं बार्सिलोना में हूँ अभी। जैसे मेरी पिछली वीडियोस में देख ही लिया होगा कि बार्सिलोना आ गया था मैं, तो मुझे सिटी को थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करना है, तो वो मैं एक्सप्लोर करूँगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू। तो चलते हैं। मेरा जो हॉस्टल है इसके बिल्कुल पास में ही एक जो है वो मेट्रो स्टेशन है, वो मैं दिखाता हूँ कहाँ पर है। बिल्कुल पास में ही है यहाँ पर। जहाँ पर भी आपको अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जो मेट्रो है वो ऑप्शन सबसे सही है। बस भी है, ट्रैम भी है और ट्रेन भी है। ट्रेन तो खैर से यार वो एयरपोर्ट वगैरह जाने के लिए मुझे लगता है, तो ट्रैम का ऑप्शन ही सबसे बेस्ट है। तो मैं दिखाता हूँ, सामने देखो एम का साइन नज़र आ रहा होगा। ये रैम का TMB के नाम से है। ये L4 जाती है यहाँ से। गिरोना वाला जो मेट्रो का स्टेशन है वो मेरे यहाँ से पास है। या मैं अंदर आ गया हूँ अभी, चलते हैं। तो टिकट जो है ना, ऐसी मशीन्स लगी हुई हैं उससे आप टिकट खरीद सकते हो। ठीक है, इनको बता दो आपको कौन सा टिकट चाहिए, आप कितने दिन के लिए आए हुए हो बार्सिलोना में, उस हिसाब से आपको बेस्ट टिकट जो है वो निकाल के दे देते हैं। मैंने इनको बता दिया था कि मैं कितने दिनों के लिए आया हूँ, उस हिसाब से उन लोगों ने मुझे ये टिकट दिया है। ये कोई एक महीने के लिए वैलिड है, 20 यूरो का मिला है। पूरे बार्सिलोना में कहीं भी जो है मैं इससे ट्रैवल कर सकता हूँ। मैं इसको यूज़ करते हुए भी अंदर जाता हूँ। ठीक है, ये रहा टिकट, यहाँ से ये बाहर आ गया। सॉरी, यहाँ से जाना है। अच्छा, हर जो मेट्रो स्टेशन है ना उसकी बस स्टॉप्स की सारी लिस्ट लगी हुई है उधर, कौन कौन सी मेट्रो जाएगी वहाँ से। ठीक है, उसकी लिस्ट लगी हुई है वहाँ पे, कौन कौन सी मेट्रो जाएगी वहाँ से, कौन कौन से स्टाफ से जाएगी, उसकी डायरेक्शन कौन सी है और आप कहाँ पे खड़े हुए हो। मैं दिखाता हूँ अभी। ये एक मैप है, ठीक है, ये पूरा एक मैप है यहाँ पे ऐसे, सही है। ये ट्रेन यहाँ से चली है, ठीक है, और अभी हम लोग हैं यहाँ पे गिरोना पे, जहाँ से मैं चढ़ा था मेरा हॉस्टल वाला। ठीक है, ये जो येलो लाइन है ना, इससे आगे जाएगी अभी ये ट्रेन। ठीक है, ये हो गए तो हमें उतरना है यहाँ पे और L3 लेनी है। तो यहाँ से भी हम लोग इसमें चढ़ेंगे और यहाँ पे उतरेंगे। ठीक है, तो ये येलो वाली से भी आगे जाएगी, वो वाले सबसे हो गए। ठीक है, अगर आपको यहाँ जाना है तो फिर चेंज करके सामने वाले प्लेटफॉर्म से जाना पड़ेगा, उस तरफ से। वो एक ट्रेन जो जा रही होगी शायद, दिख रही होगी करना। अभी ट्रेन आती है तो फिर उसमें अंडरग्राउंड आती है तो फिर उसमें चलते हैं। और यहाँ पर ऐसे वो दिखाता रहता है, दिखाता हूँ मैं। देखो अभी दिखा रहे हैं, 4 मिनट में एक जो है वो मेट्रो आएगी। चलो भाई, अपनी ट्रेन आ गई है और जाना है L3 पकड़नी है, तो मैं L3 के साइंस जो है वो फॉलो करता हुआ जा रहा हूँ। ये रहा, ये रहा। तो ऐसे है। और अभी भी बार्सिलोना की जो अंडरग्राउंड है या पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें मास्क जो है वो मैंडेटरी है, कंपलसरी है यूज़ करना। ठीक है, कुछ लोग नहीं भी कर रहे, वो एक अलग बात है, मगर इस तरफ जा रहा है मैं। मास्क जो है वो मैंडेटरी है। अच्छा, कभी कभी एक लाइन से दूसरी लाइन चेंज करने के लिए एक लंबा कॉरिडोर आपको चल के जाना पड़ता है,
और फिर आप चेंज कर पाते हो। ठीक है, जैसे मुझे L4 से L3 चेंज करना है, तो वो एक लंबा कॉरिडोर है, ये देख सकते हो आप, ये चल के जाना है और फिर ही मैं चेंज कर सकता हूँ। तो ये मेट्रो के अंदर अंडरग्राउंड में भी आपको लंबी वॉक करनी पड़ सकती है, मगर मैक्सिमम 5 मिनट्स की होती है, 5 मिनट से ज़्यादा की नहीं होती। तो फिर चलते हैं L3 की तरफ। फिर एक लंबी वॉक करके मैं आ गया हूँ L3 वाला जो स्टॉप है। अब यहाँ से मेरी मेट्रो आएगी तो चलेंगे आगे, कंटिन्यू करेंगे अपनी जर्नी को, और ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम है उसको मज़ीद समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, मेट्रो से बाहर जाने के लिए कार्ड वगैरह टच करने की कोई ज़रूरत नहीं, खुद ही गेट खुल जाता है और आप लोग बाहर आ जाते हैं। यार अंदर मेट्रो इतनी भरी हुई थी ना कि मैं अंदर से वीडियो बना ही नहीं सका, बहुत फंस के खड़े हुए थे। बार्सिलोना की जो मेट्रो है बहुत ही ज़्यादा बिजी है। तो खैर यार, मुझे अभी कुछ नाश्ता वगैरह की तलाश है, मैं नाश्ता वगैरह करने के लिए इधर उधर भटक रहा हूँ, तो देखता हूँ कोई जगह मिलती है तो वहाँ से नाश्ता करता हूँ। ये मुझे एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट दिख गया आदिल तनोली के नाम से, इसके अंदर चलता हूँ मैं और वो नाश्ता वगैरह करता हूँ। अच्छा, मैंने एक पराठा ऑमलेट और चाय ऑर्डर किए, कोई 5 यूरो के आसपास है, और ये साथ में कुछ ये लोग चटनी वगैरह और अचार भी सर्व करते हैं। तो ये सब कुछ मैंने यहाँ पे ऑर्डर किया है, अभी मैं इसको खाऊंगा और फिर सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए निकलता हूँ। ठीक है, तो नाश्ते के बाद मिलते हैं फिर। तो भाई रेस्टोरेंट से तो बाहर आ गया हूँ, नाश्ता हो गया अपना, अब चलते हैं सिटी को एक्सप्लोर करते हैं जाके। मैं जाऊँगा अभी ओल्ड टाउन की तरफ, और ओल्ड टाउन के लिए अगर आपको जाना है ना तो लिसियाओ करके एक स्टॉप है, वहाँ पे आप जा सकते हो मेट्रो लेके, और फिर जो है वहाँ से एक्सप्लोर करते हो। मैं दिखाता हूँ। अच्छा भाई, अगर ओल्ड टाउन को एक्सप्लोर करना है ना तो ये रहा स्टॉप, ये वाला, ये यहाँ से जाके फिर पूरा ओल्ड टाउन जो है वो रोमन एम्पायर्स का जो एरिया वहाँ से कर सकते हो। अभी ट्रेन आ गई है, मैं इसमें जाऊँगा। ट्रेन भी भरी हुई है यार। अच्छा, ऐसे इसको करोगे ना खुल जाएगा। तो भाई लिसियाओ पे उतर गया हूँ, अब यहाँ से बाहर चलते हैं और ओल्ड टाउन को एक्सप्लोर करते हैं। तो भाई ओल्ड टाउन में एंटर हो गया हूँ और अब एक्सप्लोर करते हैं इसको। ये यहाँ की बिजी वाली स्ट्रीट है, यहीं पे आगे थोड़ी सी आगे एक जो है ना क्रिसमस मार्केट भी लगी हुई है। अच्छा, ये जो मशीन है ना यूरो नेट वाली, यहाँ पर भी है स्पेन में भी। ये जो पीछे मशीन जो देखी है ना, ये पूरे यूरोप में हर जगह मिलेगी, किसी भी कंट्री चले जाओ। मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में दिखाई हुई है, ट्रैवल वाली वीडियोस तो लोग देखते नहीं है मेरी, इसलिए शायद उनको नहीं पता होगा, मगर ये जो है हर जगह पे, और इसमें अगर आपने अपना कार्ड डाला तो ये बड़ी स्मार्ट मशीन है, और ये जो है अगर आप यहाँ के लोकल स्पेन का कार्ड डालोगे तब तक तो वो सही चलेगी, सही है, मगर अगर आप उसमें इंटरनेशनल कार्ड डालोगे तो वो फिर आपको ऐसे एक्सचेंज रेट और चीज़ों में फंसाएगी कि आपका दिवालिया निकल जाएगा। अच्छा, ये जो स्ट्रीट है यहाँ पे, ये सारे खाने पीने की चीज़ें हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, मगर भाई यहाँ से सिर्फ गुजर जाना, सीधे इधर रुकना नहीं, ठीक है, क्योंकि चीज़ों की कीमतें बहुत ही ज़्यादा है इस स्ट्रीट पे। जो लिसियाओ से बाहर जब आते हो ना आप सीधा, तो चीज़ों की कीमतें बहुत ही ज़्यादा हैं। खैर, मैं चलता हूँ ओल्ड टाउन की तरफ। अच्छा, प्लाजा रियाल जो है, ये पूरा एरिया जो है, ठीक है, यहाँ से आप लोग जो है वो ओल्ड टाउन का अगर बाय वॉक एक्सप्लोर, क्योंकि चीज़ें इतनी पास पास हैं तो मेट्रो से जाना ठीक नहीं है, पूरा ओल्ड टाउन ही अंदर छोटी छोटी गलियों में फंसा है, क्योंकि बहुत पुराना है,
ठीक है, तो बाय वॉक ही उसको जो है वो एक्सप्लोर करना ठीक रहेगा, और मैं जाता हूँ आगे। मगर ये पूरा स्क्वायर है जहाँ से आप शुरू कर सकते हो, और यहीं से ही फ्री वॉकिंग टूर भी शुरू होता है अगर आप लोग इसमें इंटरेस्टेड हो, लेना चाहते हो तो। ठीक है, चलो चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। अच्छा, घूमते घुमाते ये एक हिस्टोरिकल लैंडमार्क है, पलाका डेल पाई करके कुछ नाम है इसका, ये चर्च है, इसको आप लोग विज़िट कर सकते हो। इसके साथ ही देख रहे हो कुछ ऑरेंज ट्रीज है यहाँ पे, ये स्क्वायर बहुत ही फेमस स्क्वायर है ये, और इतना ज़्यादा बिजी भी नहीं है कि आप लोग कुछ देख ना पाओ। अच्छी जगह है, इसको विज़िट कर सकते हो। सामने एक जो है वो यहाँ का सबसे ओल्ड नाइफ स्टोर है बार्सिलोना का, या स्पेन का भी आप कह सकते हो, सबसे ओल्ड है ये। ये मैं दिखा देता हूँ, ये रहा, ये उसका ऊपर नाम लिखा हुआ है, और ये सारे नाइफ हैं। और आप लोगों को इसमें से किसी भी नाइफ का नाम आता हो तो बताना मेरे को। क्योंकि भाई मैं तो किचन से बहुत ही दूर हूँ, ऑल दो मेरे जॉब रेस्टोरेंट में है, मगर फिर भी मैं उस तरह के जो काम है कटिंग वगैरह के, उससे दूर ही रहता हूँ, तो मुझे पता ही नहीं है उसके बारे में कुछ भी। पर आपको किसी भी नाइफ का नाम पता हो तो ज़रूर बताना यार। ये जो ओल्ड टाउन है इसमें बहुत छोटी छोटी गलियाँ हैं, जैसे एक गली से भी मैं गुजर रहा हूँ, ये बहुत ही छोटी छोटी गलियाँ हैं, मगर इनमें चलने का भी अपना ही मज़ा है। इसके कि चाहे कितनी भी छोटी गली हो, उसके आसपास शॉप्स रहती ही हैं। क्या बोलूँ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि इतना रश और इतना शोर है यहाँ पे। ये मोस्ट विजिटेड मुझे लगता है सिटी है स्पेन का, और ये कैथेड्रल है यहाँ पे, बार्सिलोना कैथेड्रल के नाम से ये, और इसके चारों तरफ ही बहुत ही ज़्यादा रश है यार। और मैं कोशिश कर रहा हूँ किसी और तरफ से घूम के जाऊँ कि कोई कम रश मिले और मैं कुछ रिकॉर्ड कर सकूँ। ये रहा भाई, हर तरफ आवाम का रेला है भाई, और पीछे कोई शो भी हो रहा है, उधर भी लगे हुए हैं सारे। इधर से निकलते हैं भाई, अच्छा वाला नॉर्थ मैसेडोनिया में था यार, उधर कोई भी नहीं था। इधर आ गया हूँ मैं, चलो भाई कैथेड्रल की दूसरी तरफ है, और यहाँ से भी देख लो उसको। अच्छा, यहाँ पर अगर सारे कैथेड्रल जितने भी हैं ना अच्छे खासे हैं, टॉप थ्री तो मतलब सबके एक जैसे ही है, मगर यहाँ पे कैथेड्रल बहुत सारे बार्सिलोना में, तो सबको अगर एक्सप्लोर करना है तो 100 यूरोस के आसपास लगेगा, तो मुझे नहीं लगता यार सबको एक्सप्लोर करना चाहिए, इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम यार, क्योंकि अंदर जाओगे एक जैसे ही लगते हैं मुझे, सारे के सारे एक जैसे ही लगते, क्या फ़ायदा। अच्छा, तो घूमते घुमाते मैं ओल्ड टाउन में यहाँ पर आ गया हूँ, ये इनका जो है वो टाउन हॉल है बार्सिलोना का, और ये पूरा मंजर है उसका, ऐसे पीछे और वो पीछे टाउन हॉल पूरा। Romana,
अच्छा, मिडिल में जो है वो स्पेन का अपना झंडा है, और जो लेफ्ट साइड पे है वो है कैटालोनिया का फ्लैग, और वो जो है वो बार्सिलोना का फ्लैग है राइट साइड में, और ऐसे करके इनका टाउन हॉल है। और यहाँ पे कोई बंदा सिंगिंग भी कर रहा है यार, अभी उसने मतलब सिंगिंग करनी बंद की है, तो मैंने कुछ वीडियो रिकॉर्ड की है, नहीं तो इतना शोर था कि वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हो पा रही। अच्छा, एक कोनेसा के आगे जो लाइन देख रहे हो ना लंबी सी, ये जो लाइन है यहाँ का बेस्ट सैंडविच प्लेस है ये, इसी के लिए यहाँ पे जो है ये लाइन लगी हुई है, और चीप भी है, मतलब जो मैक्सिमम जो वैल्यू है उसकी 7 है, उससे सब नीचे के ही सैंडविचेस हैं। तो अगर कभी यहाँ का लोकल सैंडविच ट्राई करना हो तो यहाँ पर आना, क्योंकि यहाँ पे यार हराम भी सेल होता है, इसलिए मैं तो यहाँ से कुछ भी लूँगा नहीं। हाँ भाई, जिस जगह पे हराम भी सेल होता है वहाँ पे चीज़ें मिक्स हो ही जाती हैं, इसलिए मैं खुद भी ख़रीदता ही नहीं हूँ। सब वेजिटेरियन का भी ऑप्शन है, मगर मैंने लिया ही नहीं कुछ भी। अगर ट्राम वगैरह या मेट्रो यूज़ कर करके तंग आ गए हो, ठीक है, तो फिर आप लोग बसेस यूज़ कर सकते हो एक्सप्लोर करने के लिए। मैं जाऊँगा अभी बार्सिलोना का जो बीच वाला जो एरिया है उस तरफ जाऊँगा, और बस नंबर 47 जाती है ये रही। ऐसे हर बस का जो है टाइम टेबल यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है। तो बस का इंतज़ार करता हूँ मैं, और फिर चलते हैं वहाँ पर। तो बीच को भी विज़िट कर सकते हो इस तरह, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है विज़िट इसको, और वो उस तरफ जो है वहाँ पे मैंने पाकिस्तान का अपना झंडा भी लहराया था, और इस तरह इसको विज़िट कर सकते हो। लिस्ट जो है अगर आप बस वगैरह से या ट्राम वगैरह से चीज़ों को एक्सप्लोर करने लगोगे तो लिस्ट गोस ऑन एंड ऑन एंड ऑन, और वो लिस्ट कभी भी ख़त्म नहीं होती। तो इट इज़ एक्चुअली अ वेरी नाइस बीच, वाकई में बहुत अच्छी जगह है, इसको एक्सप्लोर करना चाहिए आके। यहाँ से बोट टूर भी ले सकते हो, वो दूसरी तरफ है, खैर उस तरफ मैं जाऊँगा नहीं। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगा, ठीक है, क्योंकि बार्सिलोना गेट भी है, जो सारगडा फमिलिया करके एक चर्च भी है वो भी है, कासल्स हैं बार्सिलोना में, टूरिस्ट प्लेसेस बहुत ही सारे हैं, और मैंने सिर्फ दिखाना था कि कैसे आप कार्ड जो है वो यूज़ करके ये वाला कैसे आसानी से घूम कर सकते हो। बाय वॉक भी ये सब चीज़ें आप एक्सप्लोर कर सकते हो, मगर उसमें थकन ज़्यादा हो जाती है, और आप यहाँ पे एंजॉय करने आए हो, मुझे लगता है जो भी बंदा यहाँ आता है वो एंजॉय करने आता है, थकने के लिए नहीं आता। तो इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, फिर मैं मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।